क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप और आपके साथ जुड़े हम लोग भी नंबर एक श्रेणी में आ चुके हैं, और मैं यही शुभकामना दूंगा कि हम लोग इससे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और ये बना रहे। दूसरी बात, कर्नाटक के चुनाव को मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि कर्नाटक के चुनाव के पहले जितने भी चुनाव हुए हैं 2014 से लेकर और इस 2023 के बीच जितने चुनाव भी हुए हैं, वे सारे चुनाव व्यक्ति केंद्रित चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जरूर निकाला, लेकिन नगर निगम से लेकर और लोकसभा के चुनाव तक एक ही आदमी का गुणगान होता रहा और एक ही आदमी के ऊपर चुनाव केंद्रित रहा, वे थे श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने पिछली बार कहा भी था, हिमाचल में, गुजरात में भी कहा था कि आप कभी ना देखिए, आप मुझे देखिए और मुझे वोट दीजिए। एक तरीके से यह घोर अलोकतांत्रिक बयान है, क्योंकि आप एक घोर अलोकतांत्रिक बयान इसलिए है कि आप अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं, आपने किया क्या है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, और नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाए इसकी बात नहीं कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि आप हमें भी कुछ और लड़िए। दूसरी चीज, हर चुनाव के पहले शगुफा उछाला जाता और आज भी उछाला गया है। 2024 को लेकर जो अमित शाह ने कहा, आज या कल मैं किसी चैनल पर देख रहा था कि अब की बार वो 400 पार सीट पाएंगे, 543 सीटें हैं, 400 वो ले रहे हैं, तय कर लिया उन्होंने पहले से ही, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है। बंगाल के चुनाव में भी उन्होंने ये कहा था, जितने भी कहा था, जितने तो खैर उनको सफलता मिली, लेकिन और तो कहो तो उनको उस तरह की सफलता नहीं पाई, गुजरात में मिली। तो इस सब के पीछे मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ब्रांड के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक ब्रांड के रूप में, प्रतीक के रूप में रखा है कि हमारा ये ब्रांड है। जैसे अमूल एक ब्रांड है, टाटा का एक ब्रांड है, और भी बिजनेस के एक ब्रांड होते हैं। तो एक लोकतंत्र के रूप में नहीं, जो चुनाव मैनिफेस्टो पर नहीं लड़ रहे हैं, उपलब्धियों पर नहीं लड़ रहे हैं, क्या करेंगे इन पर नहीं लड़ रहे हैं, व्यक्ति पर लड़ रहे हैं, तो ये ब्रांड को है। तो कर्नाटक के चुनाव में मैं इस ब्रांड का क्षरण साक्षात देख रहा हूं। इतने दिन हो गए कर्नाटक का चुनाव घोषित हुए, जिस तरीके से शुरुआत में लोग सक्रिय थे उसकी तुलना में इस बार बिल्कुल सक्रिय नहीं है और कम है। अभी तक भी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि इनकी बहुत ज्यादा रैलियां हो रही हैं, अब ये खबर जरूर आई है कि शायद कुछ रैलियां प्रस्तावित हैं। दूसरी चीज, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेज है, मिस्टर 40% पीसीएम 40% का जो नारा लगा है, वो निश्चित रूप से वो इतना गंभीर नारा था, और उस नारे की शुरुआत भी भाजपा के लोगों ने की है, कांग्रेस ने नहीं की है, इसका भी एक बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तीसरी चीज मैं ये देख रहा हूं, इनका जो परंपरागत इनकी रणनीति है हिंदू मुसलमान की, पहले जो उम्मीद थी कि कर्नाटक में रामसेना है, वहां पर तेजस्वी सूर्या है, जो हमेशा यही बातें करते हैं, जब भी उनका भाषण आप सुनिएगा तो आप उनको इसी विषय पर केंद्रित पाएगा, किसी और विषय पर नहीं केंद्रित पाइएगा। युवा है, मैं नहीं समझता कि युवा के दिमाग में ऐसी चीजें कहां से आती हैं, क्यों आती हैं। अमूमन युवा इन सब चीजों से परहेज करते हैं, थोड़ा खुले दिमाग के होते हैं, लेकिन उनको मैं देख रहा हूं कि सब चीजें रणनीति के रूप में वो कहते हैं। तो जिस तरीके से उनकी उम्मीद थी कि हिंदू मुस्लिम कार्ड चल जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। दूसरे लिंगायत समुदाय के रूप में येदियुरप्पा थे, इसी समुदाय के और भी महत्वपूर्ण लोग इनकी पार्टी से निकल के आ गए हैं, वहां भी इनकी दाल नहीं गल रही है। तीसरी चीज, जो आपने कहा कि दक्षिण भारत का ये मजबूत द्वार है, सच कहिए तो इन्होंने सरकारें जब भी बनाई है ऑपरेशन लोटस के थ्रू बनाई है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इनके जो ये तीन अघोषित पक्षधर हैं, तीन जो अघोषित इनके टीम के सदस्य हैं, ये बड़ी तकलीफदेह बात है। ये तीनों एजेंसियां प्रोफेशनल एजेंसियां हैं और देश की सर्वोत्तम एजेंसियां हैं, जो कि आर्थिक अपराधों पर और परंपरागत अपराधों पर नियंत्रण के लिए और जांच के लिए बनी है, लेकिन पिछले 2014 के बाद इन एजेंसियों ने जो किया उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से इनकी वहां सरकार जब भी बनी है तो इनकी वजह से ऑपरेशन लोटस ग्रुप में बनी है। दक्षिण भारत में पहले चार राज्य थे, अब पांच राज्य हैं, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में डीएमके का है और जयललिता के अवसान के बाद अब वहां अन्ना डीएमके की कोई स्थिति नहीं रही है, उन्हीं के सहारे भारतीय जनता पार्टी वहां अपना कुछ प्रभाव रखती थी, तो वहां अब इनकी कोई दाल जलने वाली नहीं है। कांग्रेस कम्युनिस्ट या फिर कांग्रेस है, वहां ये नहीं घुस सकते हैं।
तेलंगाना में इनको काफी शिकस्त तेलंगाना से मिलेगी, केसीआर से। आंध्र में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कर्नाटक में जरूर ये चाहते थे कि इनकी स्थिति वहां हो, ताकि इस बहाने वहां पर अपना सेपरेशन करें और दक्षिण में भी अपनी स्ट्रांग होल्ड करें। लेकिन इस बार जो ये ब्रांड मोदी पर यह झटका पड़ा है, ये झटका बहुत ज्यादा है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का चुनाव अति संगठित तरीके से लड़ा जा रहा है और आक्रामक कुछ रहा है। ये आक्रामकता थोड़ी देर से हो सकता है, इसके कई कारण रहे हो, आत्ममंथन भी एक कारण हो सकता है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। बार बार ये जब भाजपा ये कहती थी कि विकल्प कहां है, हर बार आज भी अगर उनसे किसी से पूछिए तो कहते हैं विकल्प कहां है। उनसे पूछे कि विकल्प लोकतंत्र में है नहीं, जिस विकल्प तो है, विकल्प तो आप भी हैं, वही विकल्प थोड़े हैं। जो इलेक्शन लड़ेगा लोकसभा में, जिसकी बड़ी पार्टी बनेगी, जो उसका नेता बनेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा तो है ही नहीं। और फिर विकल्प भी आप क्यों पर क्यों जा रहे हैं, ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन तो है नहीं। तीसरी चीज, इधर जो कुछ घटनाएं हुई हैं, खासकर सत्यपाल मलिक जी के इंटरव्यू के बाद, एक तो पुलवामा हादसा, दूसरा राम माधव के ऊपर ये आरोप कि 300 करोड़ उन्होंने दो फाइलों क्लियर करने के लिए दिया था, तीसरी चीज प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला था, जो सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा है, इसका न भाजपा से संबंध है न आरएसएस से संबंध है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला। और मैं समझता हूं तीनों मामलों में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने वाला, बोल नहीं रहे इन तीनों मामलों पर। अडानी को तो किनारे से रख दीजिए, अडानी को तो वैसे भी नहीं बोल रहे हैं, और अडानी पर मुखर होने की वजह से राहुल गांधी को क्या क्या सहना पड़ा और क्या क्या झेलना पड़ा ये सब जानते हैं। तो आज की स्थिति यह है कि जब ये तीनों मामले उठ गए हैं, इन तीनों मामले पर जो प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है, कल अमित शाह का एक बयान जरूर आया था कि सत्यपाल मलिक उस समय कहां थे, उस समय क्यों चुप रहे थे, लेकिन कल ही जो दैनिक भास्कर की खबर आई, टेलीग्राफ में खबर आई कि दैनिक भास्कर ने 17 फरवरी को ही छाप दिया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में सीआरपीएफ की चिट्ठी एयरलिफ्ट के लिए 4 महीने तक पड़ी रही, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसमें भी उन्होंने कहा था, राम माधव की बात उन्होंने तब पहले उठा चुके हैं, जब शुरुआत में भी, तो कई बातें पहले उठ चुकी है, लेकिन जब इन लोगों को यह लगता है कि भाजपा को की स्थिति में, मैं समझता हूं उनको ये लगता है कि उनका प्रचार तंत्र इतना व्यापक है कि कोई भी झूठ अब भी फैलाकर उसे लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन इनके प्रचार तंत्र की हवा इसलिए निकल गई, एक तो कांग्रेस का जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है, वो बहुत सक्रिय हुआ, बाकी बहुत से लोग जो कांग्रेस से जुड़े नहीं हैं लेकिन इस सरकार की कार्रवाइयों से दुखी हैं या पसंद नहीं करते हैं, वो भी अपनी अपनी बात कह रखते हैं। तो तीन चीजें हुई हैं, एक तो ब्रांड मोदी का क्षरण शुरू हो गया है, जो मुझे नहीं लगता कि अब आगे इनको मजबूती मिलेगी। दूसरी चीज, इनका जो दुष्प्रचार था उसकी कलई खुलती जा रही है, 24 घंटे से ज्यादा कोई एक दुष्प्रचार खुल नहीं, दुष्प्रचार इनका चल नहीं पाता है। और तीसरी चीज ये है, करप्शन के जो लगातार चार्जेस हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर जो चार्जेस सीधे आ रहे हैं कि करप्शन के मामले में सतपाल ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार की बात भी उनको बताई थी तो वो चुप है, कुछ नहीं कहा उन्होंने इस बात पे। पुलवामा हादसा पर जो खुलासा है ये बहुत गंभीर खुलासा है। और एक बात यहां मैं और जोड़ना चाहूंगा 2 मिनट में कि लद्दाख में हमारे 20 जवानों की मौत चीन ने कर दी थी, चीन के सिपाहियों ने कर दी थी सीमा पर, जिसमें कर्नल संतोष मारे गए थे, उनके साथ 19 सैनिक और मारे गए थे। 15 जून को ये शहादत होती है और 19 जून को प्रधानमंत्री जब सर्वदलीय बैठक में तशरीफ लाते हैं तो उसके बाद जब वो प्रेस से मुखातिब होते हैं तो वो यही कहते हैं कि कोई आया नहीं था, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, तो न कोई घुसा है न कोई घुसा था, ये आपका बयान किसके लिए है? मतलब तो हमारे जवान क्या चीन के अंदर घुस गए थे, वहां उन्होंने मारे हैं? सीधी सी बात है कि ये जो एक इनके साथ अपने साथ इन्होंने आवरण ओढ़ रखा था कि हम राष्ट्रवादी हैं, सेना के लिए कुछ मत कहिए, सेना का सम्मान करिए, सेना देश की रक्षा करती है, हम सैनिकों के साथ हैं, इन दो मामलों ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि इस मामले में भी इनकी विफलता साफ साफ आ गई है और यह भी स्पष्ट हो गया है इनकी पोल इस मामले में खुल गई है। तो इसको मैं समराइज करते हुए कहूंगा, एक तो ब्रांड मोदी का क्षरण, दूसरे राष्ट्रवाद का जो फर्जीपना है उसका उधड़ जाना, तीसरी महत्वपूर्ण आरोपों पर प्रधानमंत्री की लगातार चुप्पी,
हालांकि पहले भी मुखर नहीं रहे हैं, वो नोटबंदी पे चुप रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना मरने वाली मौतों पे चुप रहे हैं, लॉकडाउन में हजारों मजदूर सड़कों पर घिसटते रहे, सैकड़ों मरे उस पर चुप रहे हैं, आज पुलवामा खुलासे पर चुप हैं, राम माधव पर चुप हैं, अब डिग्री पर चुप हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनसे किसी भी महत्वपूर्ण मामले को उन्होंने बोला हो। तो ऐसी स्थिति में आज जो कांग्रेस का वहां प्रचार चल रहा है और जिस तरीके से जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप बेहतर जानते होंगे, हम लोग कापी के माध्यम से या कुछ और चैनल के माध्यम से इसे देख रहे हैं, उससे लगता है कि भाजपा के लिए स्थिति आफत के रूप में है और कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबर हम लोग को सुनने को